पिंकी राय का अन्य अपराधों में भी नाम आ चुका है, साथ ही साथ 16 मामले इस पर दर्ज हैं। ये 17वां मामला है। ये बोल करके मारपीट करने के बाद उसको अपने गाड़ी में डालकर किडनैप भी कर लिया था। कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। इसमें एक और नाम सामने आ रहा था, वही नाम जो नेवई गोलीकांड में पहले भी सामने आ चुका है, मुकुल सोना। कुछ साल पहले नेवई में गोलीकांड होता है और इसी नेवई गोलीकांड में दो नाम उभर के सामने आते हैं। अब इन दो नामों में एक नाम जो पहले भी ऐसे कई अपराधों में उभर कर सामने आ चुका है, इस नाम के पहले हिस्ट्री शीटर का टैग लग चुका है और लगातार ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के इस पर मुकदमे दर्ज हैं। क्या है वो नाम? पिंकी राय। पिंकी राय इस नाम को लेकर के लगातार पहले भी आपने अखबारों के सुर्खियों में ये नाम सुना होगा। नेवई गोलीकांड जो आपसे कुछ साल पहले हुआ था उसके बारे में भी आपने सुना होगा। दो लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, अपने अपने गैंग को सक्रिय करने की लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई में गैंग तो सक्रिय नहीं हुआ लेकिन नाम उभर कर सामने आया, तो उस नाम ने अपने आप को डॉन बता करके बहुत जगह ऐसी स्थिति जरूर पैदा कर दी जहाँ पर थोड़ा डर का भाव शुरू हो गया हो। और इसी सारी चीज़ों को लेकर के किसी पे भी जबरन मारपीट जैसी चीज़ें कर देना, किसी को भी लूटपाट या फ्रॉड जैसी ऐसी घटनाएं, कई सारे मुकदमे को लेकर के इसके ऊपर मामले दर्ज होते रहे। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया, ये मामला भी नेवई का ही था, मामला एक शख्स को मारने पीटने का। और इसी मामले पर ये कागज़ में टाइपराइटर थे वो सारी चीज़ें बयां की जाती हैं, जिसे सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप सचिन भाऊ के साथ इस वक्त आपके बीच हाजिर हूँ। ये पिंकी राय है कौन? दरअसल नेवई में ही एक राय ट्रेडर्स है, शॉप है और उसमें तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह के काम होते रहते हैं। पिंकी राय नगर निगम के छोटे मोटे ठेकेदारी के काम लेते रहता है, छोटे मोटे तो बोलने के लिए हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ पिंकी राय का अन्य अपराधों में भी नाम आ चुका है, साथ ही साथ 16 मामले इस पर दर्ज हैं। ये 17वां मामला है और 17वां मामला कुल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 23 तारीख को अचानक रात के समय नेवई में ही एक घर में मारपीट जैसी घटना सामने आती है। मारपीट जैसी घटना सामने आने के बाद 24 तारीख को उस घर की फैमिली नेवई थाने पहुँचती है और अपने बयान को लेकर के बहुत सारी बातें बताती रहती है, लेकिन तभी पता चलता है कि मामला तो उलटफेर हो चुका है। तफ्तीश से बताऊं तो पिंकी राय और उसके एक साथी शैलेश निर्मलकर, इन दोनों ने और इनके साथ एक और साथी था ओम चौधरी, इन तीनों ने मिलकर विपिन नाम के शख्स को सबसे पहले तो उसे मारा पीटा, मारने पीटने के बाद उसे अपने ऑफिस जो नेवई में मौजूद है वहाँ लेकर के आया, वहाँ भी मारपीट की उसके साथ और उससे बोला कि तुम हमारी जो बातें हैं उसे इधर उधर करते हो इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं, रॉड से मारा और तरह तरह की चीज़ें थी उससे मार करके उसे अच्छी तरह से मारा गया और मारने के बाद उसे छोड़ दिया गया। थाने पहुंचा विपिन ने थाने में सारी चीज़ें बताई, परिवार वालों को सारी चीज़ें पता चली तो थाने की शरण में गए, TI के समक्ष सारी चीज़ें बताई गई। ये उस दिन का मामला था। उसी रात को अचानक शैलेश निर्मलकर के घर के पास कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। ऐसा शैलेश निर्मलकर के घर वालों ने थाने आकर के ये सारी बात बयां की थी। अब ये सब बताने के बाद मामला थोड़ा सा उलट फेर होता नज़र आ रहा था कि आखिर मारपीट किया किसने है, किसके साथ हुआ है। बाद में जब TI महोदय जो है वहाँ के आनंद शुक्ला, उनसे बातचीत की गई तो पता चलता है कि पिंकी राय और जो शैलेश निर्मलकर हैं और जो ओम चौधरी हैं ये मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने विपिन के साथ मारपीट की थी। विपिन के घर की तरफ से सबसे पहले कंप्लेन हुआ और उसके बाद कहानी बनाने के लिए ये बताया गया कि शैलेश निर्मलकर के परिवार के साथ मारपीट की कोशिश की गई है, जिसके लिए उस शख्स पे इस तरह के बातें आई हैं। इसमें एक और नाम सामने आ रहा था, वही नाम जो नेवई गोलीकांड में पहले भी सामने आ चुका है, मुकुल सोना। अब मुकुल सोना को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया उस समय, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता, लेकिन जिस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस बारे में रिकॉर्डेड बयान हमारे पास मौजूद हैं, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस वहाँ से जांच तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये सारी घटनाक्रम करने के बाद पिंकी राय, ओम चौधरी और शैलेश निर्मलकर फरार हो गए हैं।
अब ओम चौधरी जो था वो कहीं और फरार हो गया था, लेकिन पिंकी राय और शैलेश निर्मलकर ये लोग बालोद भाग गए थे। पुलिस वहाँ पहुँचती है, बालोद से इन लोगों को पकड़ती है, पकड़ के लाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में सारी चीज़ें सच सामने आता है। सच सामने आने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पिंकी राय, शैलेश निर्मलकर एवं ओम चौधरी नीले रंग की XUV 700 कार से आकर जो प्रार्थी है उसको, ये कहते हैं प्रार्थी यानी कि विपिन जिसने रिपोर्ट लिखवाई है, जिसने ये बताया, जिसके साथ मारपीट हुई है, उसका ये कहना है, उसका ये कहना था कि इन तीनों ने XUV 700 में आकर के मुझे ये कहा कि तुम मुखबिरी करते हो, तुम हमारी बात इधर उधर करते हो, इसलिए तुम्हें मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर उसे मारा पीटा गया, पुलिस तक बात पहुंची और ये कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारी चीज़ें जो डिटेल में हुई हैं उसकी वीडियोज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले तो उस शख्स का चेहरा देखिए, पिंकी राय और शैलेश निर्मलकर जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें जब थाने लाया गया तो वो किस तरह से पैदल, उनके साथ पुलिस पीछे चल रही थी, पैदल उन्हें लाया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ आगे क्या कुछ हुआ उस वीडियो में वो आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन नेवई थाना क्षेत्र का रहने वाला है पिंकी राय। ये अपने साथी निर्मलकर और ओम चौधरी के साथ मिलकर के प्रार्थी जो है विपिन सरसाए करके हैं, जो नगर निगम में ठेकेदारी का काम करता है, उसके साथ मारपीट किया था। सिर्फ इस बात पे कि वो उसकी मुखबिरी करता है या उसके बारे में अफवाह, झूठी अफवाह फैलाता है, ये बोल करके मारपीट करने के बाद उसको अपने गाड़ी में डालकर किडनैप भी कर लिया था और उसको ऑफिस में ले जाकर खूब मारपीट किया। उसके बाद वो छोड़ दिया गया था कि आप तुम दोबारा मेरे बारे में कभी नहीं बताओ करके। तो प्रार्थी की रिपोर्ट पर उसको अपराध पंजीबद्ध किया गया था और चूँकि घटना करने के बाद ये फरार हो गए थे तो बालोद क्षेत्र से पकड़ करके आज उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करेंगे। तो आगे क्या कुछ मामले रहेंगे, आगे क्या कुछ इस मामले पे अपडेट रहेंगे, ओम चौधरी कब पकड़ाता है उसके, और इससे पहले जो मर्डर वाले मामले हुए थे दुर्ग में, जो मंत्री यादव कांड में, उसमें भी जो जो आरोपी फरार हैं वो कब पकड़ाते हैं, उसके भी अपडेट लगातार मैं आपको देते रहूँगा। शुक्रिया।